अगर किसी को भारत माता की जय और भारत माता जिंदाबाद से किसी को इतनी प्रेम करते तो मैं बोलूंगा वो लोग अपनी पर्ची उतारे। पर बीच में पता चल रहा था, लेकिन कुछ पुलिस वाले जिनको शायद भारत माता की जय सुना नहीं जा रहा था, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए छात्रों में लाठीचार्ज किया और ये दर्शाया कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जो है कश्मीरियों के मार्ग पर चलना चाहिए, हम लोगों को भी पत्थर मारने चाहिए। मैं इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वालों को क्लियरली वार्न कर देता हूँ, अगर सुबह तक वो बच्चे अरेस्ट नहीं हुए और उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया गया तो छात्र आंदोलन जो है वो और उग्र होगा, तमाम कॉलेज बंद करेंगे। और अगर उन छात्रों को इन्होंने ही नहीं पकड़ा तो हम फिर अपने हिसाब से करेंगे। कानून अगर हमें अपने हाथ में लेने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर लेंगे। कौन से छात्रों ने प्रोटेस्ट क्यों किया था सर? रोड पे किया था या रोड पे किया गया था? जी जी, क्यों किया सर? मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने जो है पीछे कुछ हॉस्टल के ग्राउंड के पास कुछ बच्चों ने सुबह ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जब उनको पूछा गया तो वो वहाँ बाहर रोड पे आके जो है प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ, उसके विरोध जो है वो पूरे कॉलेज ने बाइक पर प्रोटेस्ट का कारण क्या था सर? वो मालूम इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एंटी स्लोगन लगाए। कॉलेज के स्टूडेंट और हॉस्टल में रहते हैं वो बच्चे, लेकिन दर्दनाक बात यह पुलिस उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही है, उल्टा जो लोग भारत माता की जय बोल रहे उनके ऊपर एक्शन ले रहा है। मुझे लगता है कुछ वर्दी वाले जिनको पाकिस्तान मुर्दाबाद या भारत जिंदाबाद नहीं सुना जा रहा उनको ज्यादा तकलीफ है, और अगर उनको ज्यादा तकलीफ है तो उनको वर्दियां उतार के फेंक देनी चाहिए।